हाँ जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स वेलकम 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 अनन्या विनोद कीर्ति संगीता कविता प्रकाश रीना मोदी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स वेलकम जल्दी से पहले सब बता दीजिए स्टूडेंट्स इज एवरीथिंग ओके ऑल ओके ऑडियो और वीडियो सब ओके okay है Am I audible and visible, students? Everything fine. Welcome, Rashi. Welcome. A very, very good afternoon, learners. ka message All okay. Vinod's All okay. Thank you so much, learners. सो एज यू ऑल कैन सी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये टॉपिक आपका सी एस आई ए नेट एज वेल एज आप अगर किसी भी स्टेट का सेट का एग्जाम देते हो वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं वेलकम करीना वेलकम ठीक है अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर बताना चाहूंगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और ये वाला कॉन्सेप्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है राइट आप में से जितने लर्नर्स ने पहले भी पी वाई किए हुए हैं तो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगी कि एसिड एंड बेस का जो पोर्शन है वो हमारे सी एस आई आर नेट में इनऑर्गेनिक में भी आता है और साथ में ऑर्गेनिक में भी आता है तो आज का जो सेशन है मेरा अभी उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर करेंगे और आज 730 पे अगेन सेम टॉपिक हमारा एप्लीकेशन पे रहेगा जहां पर हम इसके पी वाई क्यूज अलॉन्ग विथ जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे कवर करेंगे ठीक है वेलकम राधे राधे वेलकम नोबल वेरी, वेरी गुड लर्नर्स क्लियर है तो सभी लर्नर्स अभी वाला सेशन प्लस आज इवनिंग में जो 7:30 थर्टी पे एप्लीकेशन पे सेशन होगा दोनों को ही अटेंड करेंगे तब आपका कंप्लीट एसेट बेस का पोर्शन कवर हो जाएगा ठीक है वेलकम चलिए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आ गए हैं हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स ये बहुत इजी टॉपिक है जिसपे से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बहुत इजीली राइट भी करके आ सकते हो इट मींस कंफ्यूजन का या कोई और घुमा फिरा के क्वेश्चन देने का इसमें कोई स्कोप नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देना है ठीक है वेलकम कीर्ति हाँ जी तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन में स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ये जो सेशन मेरा अभी वाई टी पे हो रहा है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड बेस के जितने कॉन्सेप्ट हैं अलाउंग विद किस तरह के क्वेश्चन आपके सी एस आई या नेट एज वेल एज सेट एग्जाम में आते हैं कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे और इवनिंग के सेशन में हम कम्प्लीटली क्वेश्चन प्लस ऑर्गेनिक का जो एसिड बेस का पोर्शन है वो कवर करेंगे ठीक है तो आप इसके अकॉर्डिंग ही इन दोनों सेशंस को अटेंड करिएगा चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बायजूस एग्जाम प्रेप की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है आपको जस्ट इस क्यूआर कोड को स्टूडेंट्स स्कैन करना है स्कैन करते ही आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और जितने भी हमारे लाइव सेशंस हैं वर्कशॉप्स हैं एवरीथिंग आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो ठीक है जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव कनेक्ट कर जाए सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन को लाइक एंड शेयर डेफिनेटली करना है जो टेलीग्राम ग्रुप है सीमा चावला सी एस आई नेट उसको आप सभी स्टूडेंट्स केमिकल साइंसेस के जरूर ज्वाइन कर लें वहाँ पे मिलेंगे आपको सभी सेशंस के लिंक प्लस आपकी हर क्वेरी का आंसर क्लियरली वेलकम वर्षा आहुजा वेलकम ओके तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एसिड बेस के लिए डिफरेंट टाइम पे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बार बार आए सबसे पहले ऑरेंजियस का कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी का आया देन लेविस का आया केडीएलसी का आया लक्स फ्लड का आया यूसैनोविच को आया ठीक है वेलकम वेलकम कार्तिक वेलकम अब इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए एंड अलोंग विद ऑल यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपका जो पियर्सन का एच एस ए बी का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जिसपे की पूरे पूरे चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चन बनने के तो बहुत ही क्रिस्प uh, मैनर में हम जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप बहुत शॉर्ट में आपके पास भी एक मैटर रहे कि किसी भी एसिड या बेस को इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर यदि हमें क्लासिफाई करना है तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले अरेनियस की थ्योरी देखते हैं देखिए अरेनियस की जो थ्योरी थी वो कंप्लीटली एक्वस मीडिया के लिए थी कंप्लीटली किसके लिए थी एक्वस मीडिया में यानी कि वाटर के लिए थी तो वाटर के अंदर यदि हमने किसी कंपाउंड को डिसॉल्व किया है और उसने H प्लस को रिलीज किया यदि वाटर के अंदर कोई भी कंपाउंड H प्लस करता है तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड विल बिहेव एसिड और अगर वाटर के अंदर वो हाइड्रोक्सिल आयन OH एच माइनस को रिलीज कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो कंपाउंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेस की तरह तो अरेनियस की जो थ्योरी थी उसमें एसिड किसको कहा गया वो केमिकल है जो कि वाटर के अंदर एच प्लस आयन को डोनेट करे और बेस वो है जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस को लिबरेट करे वेलकम सृष्टि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यदि आपने एच सी मीडिया में लिया तो एच ने क्या यहाँ पे बनाया एच प्लस और Cl- माइनस दोनों ही आपने एक्वस मीडिया में लिया है ऐसे ही आपने एन एच मीडिया में तो इसने क्या रिलीज किया एन प्लस और ओ माइनस अब एच से क्या रिलीज हुआ एच प्लस आइन तो इट विल बिहेव एज एस एसिड अगर एनएच ने यहाँ पे ओ एच माइनस आइन रिलीज किया तो इट विल बिहेव एज बेस अगर हम यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें अगर यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें तो अरेनियस का सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही थी कि ये सिर्फ एक्वस मीडिया के लिए काम करता है इट मींस अगर वाटर नहीं है तो आप किसी भी एसिड को या बेस को क्लासिफाई नहीं कर सकते तो सिर्फ आपको एक्वस मीडिया। गुड आफ्टरनून यतीश्री तो अरेनियस के कॉन्सेप्ट में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए अदरवाइज फिर हम आगे चले वेलकम वा वेलकम वेलकम नो रोहन वेलकम एवरी वन वेलकम चले आगे स्टूडेंट्स जल्दी से बता दो कोई डाउट है तो अरेनियस के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी किसके बेसिस पे थी प्योरली ये प्रोटोन के बेस पे थी ये सिर्फ प्रोटोन के बेसिस पे थी कि वो स्पीशीज जो प्रोटोन को डोनेट कर दे H प्लस आयन को जो डोनेट कर दे इट विल बिहेव एज एसिड और वो स्पीशीज जो कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले जो कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले इट विल बिहेव एज बेस तो प्रोटोन के लिए यहाँ पे प्योरली किस पे है ये प्रोटोन के बेसिस पर है अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एसिड जैसे हमने कहा कोई भी एसिड है हमारे पास सपोज हमने कहा ये एच है अब जब इसने प्रोटोन को डोनेट किया तो एच प्लस बना प्रोटोन साथ में क्या बनेगा ए माइनस तो अगर ये एसिड है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा तो एसिड हमेशा एक प्रोटोन के साथ साथ अपना कॉन्जुगेट बेस को बनाता है आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके ये आता है कि एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पूछते हैं और स्ट्रेंथ आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि एसेड यदि स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुकेट बेस वीक हो जाएगा एंड वाइस वर्षा ये चीज चलेगी अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास सपोज वाटर है अब वाटर ने क्या किया एच प्लस आयन को डोनेट किया तो ये वाटर किसके अंदर चेंज हो जाएगा ओ एच माइनस में तो वाटर किस में चेंज हो गया में OH ने, NH3 ने H आयन को एक्सेप्ट किया तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा अमोनियम आयन में तो ये हो गया अमोनियम के अंदर चेंज क्लियरली तो वाटर ने एच प्लस को डोनेट किया तो इट विल बिहेव एज एसिड एच प्लस डोनेट करने के बाद इसने क्या बनाया ओ एच माइनस आयन तो वो बन गया इसका कंजुगेट बेस ऐसे ही अमोनियम आयन जो है इसने H प्लस डोनेट किया तो इसके साथ क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट हाँ जी ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट कि एक्सेप्ट किया ठीक है ना बेस क्या होता है जो H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर ले तो बेस ने H प्लस आइन एक्सेप्ट किया NH3 थ्री ने NH4 फोर में बदला तो ईच एंड एवरी एसिड एंड बेस का कॉन्जुगेट पेयर जरूर होता है और अगर कोई एसिड यहां पर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस बन गया ऐसे ही यहाँ पर अगर हम वॉटर की बात करें वॉटर एक बेस है जो कि एच प्लस आइन को एक्सेप्ट करेगा तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया तो यहां पर ये पेयर बनता है एसिड और कंजुगेट बेस का बेस और कंजुगेट एसिड का ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रॉन्ड एंड लॉरी का हाँ जी बिल्कुल किसी भी लर्नर को कोई डाउट चले आगे क्लियर चलिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है ये आपका काम आएगा नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स के अंदर ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा ये एसिड-बेस प्लस नॉन एक सॉल्वेंट का बनता है और ये थ्योरी कहलाती है थ्योरी में ये कहा गया कि यदि आपके पास वाटर एक्वस या नॉन एक्वस कोई भी सॉल्वेंट है जब उसका हम सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं तो वो एक कैटाइनिक और एक ब्रेकअप हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हमने एनेस्त्री लिया एन थ्री जब सेल्फ आयनाइज होगा तो वो किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा होके, वो NH4 और NH2 में हो जाएगा, ठीक है इट मीनस एक यहाँ पे कैसी होगी कैटायनिक और दूसरी कैसी होगी एनायनिक तो वो सभी कंपाउंड्स जो कि कैटाइन की परसेंटेज या कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वो सारे के सारे बिहेव करेंगे एज अ एसिड वो सारे कंपाउंड्स जो कि एनायन को इंक्रीज करेंगे दे विल बिहेव एज द बेस तो किसी भी कंपाउंड को एसिड या बेस अगर हमें कैडी एलसी थ्योरी के अकॉर्डिंग कहना है तो हमें नॉन इक्वि सॉल्वेंट का या इक्वि सॉल्वेंट का सेल्फ आयनाइजेशन प्रोडक्ट देखना पड़ेगा जो कैटाइन को बढ़ाएंगे वो एसिड्स जो एनाइन को इंक्रीज करेंगे वो बेस यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं सपोज हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड अब अमोनियम क्लोराइड हमें क्या देगा आयन अमोनियम आयन एन एच फोर आयन देगा साथ में क्या देगा सी एल माइनस अब यहाँ पे एन एच थ्री जो नॉन इक्व सॉल्वेंट है इसमें एन एच फोर एक कैटाइनिक इट विल बिहेव एस एसेट क्योंकि इससे किसकी परसेंटेज बढ़ाई अमोनियम आयन की वही दूसरी तरफ सपोज हमने लिया के एन एच टू के एन एच टू को जब सेल्फ आयनाइज करेंगे तो ये के प्लस और एनएच टू माइनस तो नॉन इक्वेलमेंट अमोनिया में एनएच टू माइनस एक एन आयनिक स्पीशियस है तो जो इसकी परसेंटेज बढ़ाएगा इट विल बिहेव एज बेस किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां तक एनी डाउट टू एनी लर्नर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्लियर है सबको ये थ्योरी आपकी केडीएलसी की थी ये आपका नॉन इक्विस प्लस एसेट बेस दोनों ही चैप्टर में यह कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा ठीक है यूसानोविच यूसानोविच थ्योरी। थ्योरी एक तरह से इन सब की एक समराइज थ्योरी थी जो इससे पहले की थ्योरीज जितनी भी आई थी जैसे हमने करे, वो बेस ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी में हमने प्रोटोन के बेसिस पे कहा प्रोटोन डोनर एसिड हो गया प्रोटोन एसेप्टर बेस हो गया अब यहां पर जो हमने थ्योरी दी यूसानोविच वो कपल्ड थ्योरी थी, थी। उसमें देखो यूसानोविच ने क्या कहा कि एसिड एसिड की अभी तक हम बात क्या करें जो प्रोटोन को कैटाइनिक स्पीशीज को डोनेट करता है ठीक है तो यूसैनोविच ने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं हमें ये चीज पता है कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं गिव्स अप दटाइंस जैसे हमने कहा प्रोटोन डोनेट करता है तो प्रोटोन इज एट के टाइम तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया और ये कहा कि एसिड वो स्पीशीज है जो कि एक स्पीशियो को जनरेट करता है टेक्स अप यानी कि जो एक्सेप्ट कर दे नेगेटिव चार्ज वाले को या इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरह से अगर बेस के लिए बात कहें हम यूसैनोविच के अकॉर्डिंग तो अगेन बेस किसी एसिड के साथ मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे मगर उसके साथ ही वो क्या करते हैं गिव्स अप खुद नेगेटिव को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कैटाइन को वेलकम पूजा वेलकम क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट था आपका यूसानोविच का एनी डाउट टू एनी वन क्लियर है सबको उसके बाद एक थ्योरी आपकी लक्स लक्स फ्लड फ्लड की की आई। थ्योरी बेसिकली ऑक्साइड्स के बेसिस पे थी ये टिपिकल किसके बेसिस पे थी ऑक्साइड आयन के बेसिस पे कि वो स्पीशीज जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेगी यानी कि नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रही है वो बिहेव करेगा एसिड की तरह और जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर देगा यानी कि नेगेटिव को डोनेट कर देगा इट विल बिहेव एज अ बेस अब एक एग्जांपल लिया गया कि यदि हमने कैल्शियम ऑक्साइड और एस आई ओ टू की रिएक्शन कराई तो सी एस आई ओथरी बना अब इस रिएक्शन में बेसिकली इस सी ए ने अपना ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर दिया एस आई ओ टू को तभी वो एस आई ओतरी बना तो यहाँ पे सी ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्साइड डोनर की तरह राइट इसलिए वो किसकी तरह हो जाएगा बेस की कैटेगरी में एस si आई जो है वो नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड की तरह वेलकम वेलकम। दिस इज द लक्स फ्लड थ्योरी जो कि सिर्फ ऑक्साइड आयन के बेसिस पर थी यहाँ पे एनी डाउट टू एनी लर्नर देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे बहुत क्लियर है तो एग्जाम में कंफ्यूजन मिनिमम होता है तो so कि अपने concepts को भी brush up किया करो, ठीक है? अब का जो concept था इलेक्ट्रॉन पेयर पे वो किसके बेसिस पे था वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे हम कर रहे थे ठीक है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा अब लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है ना तो इट मीन्स बेस और के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्लियर है ओके okay. अब यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे बी एफ थ्री और एन एच थ्री लिया तो एनएच थ्री के पास एक लोन पेयर है एनएस थ्री ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया बी एफ थ्री को दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा जब ए और बी दो स्पीशीज होती हैं जब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही डोनेट होते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड किस तरह का बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये डोनर है ये असेप्टर है क्लियर है तो जिसने डोनेट किया इट विल बिहेव एज बेस जिसने एक्सेप्ट किया इट विल बिहेव एज असेप्ट क्लियर सभी लर्नर्स को क्लियर चलिए अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो पियर्सन का आता है पियर्सन ने क्या किया कि बॉन्डिंग किसके बीच में होती है मेटल और लिगेंड के बीच में मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर्स होते हैं और लिगेंड्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं लिगेंड का, का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और मेटल्स क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं क्लियर है यहाँ पे अब मेटल और लिगेंड आपके पास दो स्पीशीज हैं यानी कि जिसको हम एसिड और बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं पियर्स ने सभी एसिड्स मतलब सभी मेटल्स और सभी लिगेंड्स को बेसिकली दो दो इसमें कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया सभी मेटल्स को भी हार्ड एसिड्स सॉफ्ट एसिड्स सभी लिगेंड्स को भी यानी कि हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस ऐसे कैटेगराइज कर दिया फिर पीयर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा अब यहाँ पर आपसे अगर सेट का एग्जाम है तो सिंपल कैरेक्टर भी पूछ लेते हैं कि हार्ड एसेट्स यानी कि वो मेटल्स जिनको हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे वो किस तरह के होते हैं वो मेटल्स हमेशा स्मॉलर इन साइज होते हैं तो हमेशा इनका साइज छोटा होगा साइज छोटे के बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिफिकल्ट टू पोलराइज एंड इनर्ट गैस कंफिगरेशन ये इनके कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे हार्ड एसे के बीच में ठीक है उसके बाद मेटल आइन्स को सॉफ्ट एसेट्स के अंदर कैटेगराइज किया सॉफ्ट क्या होंगे जो कि असेप्टर यहाँ पे लार्ज इन साइज होगा यहाँ साइज छोटा है यहाँ साइज लार्ज है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हार्ड में ज्यादा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो लो होगी यहाँ पे डिफिकल्ट टू पोलराइज है सॉफ्ट के अंदर इजीली पोलराइज हो गया तो ये बेसिकली डिफरेंस आ गया उसके बाद यदि हम बेसिस की बात करें तो लिगेंड्स की अगर हम बात करें हार्ड बेस कौन से होंगे अगेन जैसे हार्ड एसिड स्मॉल इन साइज था ऐसे ही ये भी डोनर स्पीशीज हैं बेस है तो डेफिनेटली डोनर होंगे मगर इनका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी

और नेट में डेफिनेटली हमें टेबल जो है उसको याद होना चाहिए टेबल को एज सच बिल्कुल रटना नहीं है बट हां जब हम उसको देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि भाई हमें हार्ड में कौन से आ, मेटल्स और लिगेंड रखने हैं सॉफ्ट में कौन से मेटल्स और लिगेंड्स रखने हैं ठीक है अब एच का प्रिंसिपल जो पियर्सन ने दिया उसमें यही था कि हार्ड एसेट प्रेफर करता है हार्ड बेस को सॉफ्ट एसेट प्रेफर करता है सॉफ्ट बेस को एमसीक्यू विनोद अभी कराएंगे यही पूछ रहे हो सेशन के एंड में एमसीक्यूज भी हैं राइट right? अब हार्ड बेसिस में हमेशा ध्यान रखना अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजेंस की बात करें तो फ्लोराइड और क्लोराइड हमेशा हार्ड में आता है ब्रोमाइड बॉर्डर लाइन में आता है आयोडाइड सॉफ्ट में आता है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं ठीक है थीके? उसके बाद अगर हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है वो यहाँ पर आएंगे हार्ड के अंदर फॉस्फोरस है सल्फर है वो सारे किसके अंदर आएंगे सॉफ्ट के अंदर और थर्ड पॉइंट जो हम हार्ड में याद करेंगे जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में हम लोग करते हैं एसिटेट है कार्बोनेट है नाइट्रेट फॉस्फेट सल्फेट क्लोरेट ये सारे के सारे हार्ड बेसिस होते हैं क्लियर तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो आपको याद करना है बिकॉज़ इसके बिना आप क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं कर पाओगे इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग फास्फोरस कंटेनिंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले वो सारे सॉफ्ट के अंडर में आ जाएंगे इसी तरह से एसिड्स को भी जब हम क्लासिफाई करते हैं तो स्मॉल इन साइज और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है या तो छोटे होंगे मेटल यहां पे या अगर साइज बड़ा है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर ऐसे ही सॉफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा इसमें लार्ज इन साइज वाले मेटल्स आ जाएंगे जिनका साइज ज्यादा है तो ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा बाय हार्ट लर्न होना चाहिए क्लियर उसके बाद केडीएलसी में अगर हम बात करें तो एसिड बेस रिएक्शंस क्या होती हैं कि जब एक एसिड एक बेस मिलता है जैसे के एन एस टू है यहाँ पे इसने फर्निश किया हमें क्या दिया nh2- तो इट विल बिहेव एज बेस अमोनियम क्लोराइड है ये क्या देगा अमोनियम तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड की तरह जब एसिड और बेस मिलेंगे तो यहाँ पे kcl जैसे बना और साथ में सॉल्वेंट का फॉर्मेशन होता है तो इन रिएक्शंस में हमेशा इन द एंड आपको सॉल्वेंट मिलेगा राइट तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इसमें एसिडिक स्पीशीज कौन सी है बेसिक स्पीशीज कौन सी है तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट का केटायन जो इंक्रीज कर दे वो एसिड है और सॉल्वेंट का एनाइन जो इंक्रीज कर दे वो बेस है क्लियर है अब इनमें से आपसे किसी भी तरह का जैसे शायद लास्ट सी एस आई नेट में आपका ये वाला एग्जांपल आया था बी आर एफ थ्री जो है वो बी आर एफ टू प्लस और बी आर एफ फोर माइनस के अंदर ब्रेक होता है, आ, जब होता है इसका अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे और के, के उपर, आपका सीए सी ए नेट में क्वेश्चन आया हुआ है क्लियर चलिए अब इसके बेसिस पे देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो जल्दी से आप इसका कॉन्सेप्ट बताएं और आंसर दो और बाकी कुछ क्वेश्चंस हम अभी के सेशन में करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए सभी स्टूडेंट 7:30 थर्टी पर एप्लीकेशन पे मेरे साथ कनेक्ट करेंगे क्लियर है तो जल्दी से इसका आंसर बताओ चूज द इक्विलिब्रिया फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट फेवर टू गो टू द राइट राइट में कौन सा इक्विलिब्रिया नहीं जाएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर दें राफिया वंदना विनोद सृष्टि पूजा अंजूर नोबल केमिस्ट्री इतिश्री यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूं अगर किसी रिएक्शन के अंदर हार्ड एंड सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट एंड हार्ड प्रोडक्ट साइड में देते हैं हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट राइट तो ये प्रोसेस फेवरेबल होगा यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट में हार्ड और सॉफ्ट मिले हुए हैं और प्रोडक्ट में हार्ड हार्ड के साथ मिल रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ मिल रहा है जो कि एक स्टेबल कंडीशन है मगर अगर आपको रिएक्टेंट साइड में ऐसे मिल रहा है हार्ड हार्ड के साथ है कंबाइंड सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइंड है ठीक है और प्रोडक्ट में जाके हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड बन रहा है तो ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल है तो कोई स्टेबल रिएक्टेंट अनस्टेबल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता मेरे पास जो आंसर्स आए हैं वो फोर्थ आया है सब क्या डी बी एंड डी ऑप्शन डी ओके यस तो आपके पास आंसर कौन सा हो गया फोर्थ वाला ठीक है अब एक को सॉल्व करके भी देख लेते हैं क्यों नहीं फेवरेबल बीई टू में देखो बेरिलियम किस केस में आया था जल्दी से बताओ किस किसमें था बेरिलियम खुद हार्ड था फ्लोराइड खुद क्या था हार्ड था एच जी प्लस टू किस में था सॉफ्ट में आई किस में था सॉफ्ट में तो जब रिएक्टेंट साइड में दोनों हार्ड और दोनों सॉफ्ट जुड़े हुए हैं तो प्रोडक्ट में वो नहीं चेंज होगा तो ये जो है आगे फेवर्ड नहीं होगी ठीक है क्लियर है ऐसे ही बी वाले में भी आप देख सकते हो ये भी हार्ड ये भी हार्ड ये भी सॉफ्ट ये भी सॉफ्ट तो अगेन ये वाली रिएक्शन नहीं होगी तो आंसर आपका ये हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अमंगी एफ फाइव सल्यूट दैट इनक्रीज देशन ऑफ बी आर एफ फोर माइनस इन बी आर एफ थ्री तो अब आपको पता है बी आर एफ थ्री को जब हम ऑटो आयनाइज करते हैं तो वो किसमें चेंज होगा बी आर एफ टू प्लस बी आर एफ फोर माइनस अब यहाँ पे ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कि बी आर एफ फोर माइनस को देता है ने आंसर दिया है ओके एनिवन एल्स जल्दी से आंसर देंगे जो बी आर एफ थ्री सोलवेंट है वो ऑटो आयनाइजेशन के बाद बी आर एफ टू प्लस और साथ में क्या देता है बी आर एफ फोर माइनस जो इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ाए वो एसिड जो बी आर एफ फोर की बढ़ाए वो बेस फर्स्ट आ रहा है सबका आंसर। अब इसकी रिएक्शंस देखो। अगर आपने KF लिया और साथ में रिएक्शन कराई बी आर एफ थ्री के अंदर यहां पे ये बनाएगा के प्लस और साथ में बनाता है बी आर एफ फोर माइनस तो इट मीन्स ये तो हमें दे ही रहा है बी आर एफ फोर माइनस मगर यहाँ पे यदि मैं एस एन एफ फोर लू और उसकी रिएक्शन बी आर एफ थ्री से कराऊ तो यहाँ पे कंडीशन हांजी बी आर एफ टू प्लस बनता है बी आर एफ टू प्लस बनता है ऐसे ही यदि एस बी एफ फाइव लू और उसकी भी रिएक्शन यहाँ पे कराऊं तो बनेगा बी आर एफ टू प्लस सेकेंड आंसर नहीं है सिर्फ के एफ ओनली के एफ फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर ठीक है इसको मैं दिखा भी देती हूँ देखो गेरा के एफ के एफ ने दिया बी आर एफ फोर माइनस एक आपसे पूछा हुआ है एस बी एफ फाइव इसने दे दिया बी आर एफ टू प्लस सेकेंड और थर्ड आपसे पूछा हुआ है एस एन एफ फोर एस एन एफ फोर ने भी दे दिया बी आर एफ टू ठीक है तो यहां पर इसको अब थोड़ा सा आपको समझने के साथ साथ चीजें देखो याद भी करनी पड़ेंगी ये बेस की तरह बिहेव करेगा के एफ क्योंकि बी आर एफ फोर माइनस दिया है यहाँ पे भी बी आर एफ फोर माइनस है राइट तो जितनी स्पीशीज बी आर एफ फोर माइनस देनी है तो वो के एफ और एजीएफ है बाकी सब देखो बी आर एफ टू प्लस 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 तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे एसिड की तरह ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे एसिड्स की तरह ठीक है मगर अगेन एनओ सी एल क्या दे रहा है बी आर एफ फोर माइनस तो आपको बस एक तरह से बेस के तीन ही एग्जाम्पल यहां पे याद करने हैं और आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर है ओके Moving towards the next question, आपको match करना है। देखो हुई है, और दूसरी तरफ उनका बिहेवियर बताया हुआ है कि एस बी एफ फाइव प्लस बी आर एफ थ्री से रिएक्शन कराते हैं तो बी आर एफ टू प्लस बन रहा है और साथ में एस बी एफ सिक्स माइनस बन रहा है ऐसे डिफरेंट रिएक्शन है और आपको बताना है कि यहाँ पे इनको मैच करके बताओ कैसे मैच करोगे हां जी करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ वंदना ने आंसर दिया है बी बी मीन्स सेकंड वंदना मनीष का आंसर आया सेकंड। अब देखो एक बार सबसे पहली चीज जो अपन यहां पे मैच करेंगे ना बी आर एफ थ्री फोर्थ नंबर वाला देखो ये बी टू प्लस और बी फोर माइनस के अंदर ब्रेक हुआ है ठीक है तो ये तो हमने सॉल्वेंट का सेल्फ आयनाइजेशन कर दिया तो फोर्थ को मैच करेंगे सी से ये तो बिल्कुल क्लियर कट है सेल्फ आयनाइजेशन का केस है फोर्थ का सी सिर्फ और सिर्फ एक में ही दिया था आपके सारे रूल आउट हो गए थे सिंपल एक चीज को सॉल्व करके जो कि सबसे सिंपल था कोई भी सॉल्वेंट अपनी कैटायनिक और स्पीशीज में ब्रेक हो रहा है इसका मतलब उसका सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमने बी थ्री को सेल्फ आयनाइज किया किसके अंदर किया बी आर टू प्लस और बी आर एफ फोर माइनस में तो ये प्रोसेस आयनाइजेशन का हुआ ना तो आंसर फोर्थ हुआ ना और कोई चॉइस ही नहीं है देखो अब बाकी को मैच करके देख लीजिए थर्ड का है ए यानी कि के और बी आर एफ थ्री से रिएक्शन कराई के प्लस और BrF4 माइनस बना थर्ड का ए देखो लुइस एसिड बिहेवियर एसिड क्या होता है हाँ जी लुइस एसिड बिहेवियर ऑफ BrF3 BrF3 हाँ मैच सीधा-सीधा बाकी के मैच हो रहे हैं ना फर्स्ट का देखो B SbF5 और BrF3 है BrF3 ने यहाँ पे BrF2 को क्रिएट कर दिया यहाँ पे हाँ जी मगर इसने खुद ने क्या किया फ्लोराइड एक दिया और यहां फ्लोराइड ले लिया ठीक है ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया देखो बी आर एफ टू और बी आर एफ फोर दोनों सॉल्वेंट का फॉर्मेशन कर दिया तो ये प्रोसेस क्या हो गया ये आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना तो सेकेंड को किससे मैच करोगे डी से सेकेंड को किससे मैच करेंगे डी से गिरा सेकेंड को डी से मैच कर दो फोर्थ को सी से मैच कर दो किसी को कोई भी डाउट चले आगे जल्दी से बताओ लर्नर्स एनी डाउट या हम आगे डिस्क करें अब जल्दी से क्वेश्चन पे यहाँ पे ये जो स्पीशीज है ना एस बी एफ फाइव इसने देखो क्या क्रिएट किया है बी आर एफ थ्री से बी आर एफ टू प्लस तो इट मीन्स ये तो एसिड की तरह बिहेव कर रही है ना तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये ल्यूज बेस बन जाएगा ना तो फर्स्ट को यहां बी से मैच कर दिया ठीक है उल्टा चलाओ इसको अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा बी एफ थ्री से तो इसके साथ वाली स्पीशीज को देख लो ऐसे ही के और बी आर एफ थ्री में देख लो के एफ ने बी आर एफ फोर माइनस को क्रिएट किया तो यहाँ पे नेगेटिव स्पीशीज को क्रिएट किया तो ये यह यहाँ पे ल्यूस बेस हो गया ना तो ये ल्यूस एसिड हो गया तो थर्ड को किससे मैच कर दोगे ल्यूस एसिड को क्लियर है जो स्पीशीज बी आर एफ टू प्लस को बढ़ाएगी वो एसिड है जो स्पीशीज बी आर एफ फोर माइनस को बढ़ाएगी वो बेस है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा एच सी फोर एच एन ओ थ्री और एच सी एल बहुत स्ट्रांग हैं एक्वस मीडिया के अंदर यानी कि सब स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं मगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड में इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी अगर आप लोगों को ये ध्यान हो कि एक डिफ्रेंशिएटिंग एंड लेवलिंग सॉल्वेंट आते हैं ना तो ये उस पर बेसिकली क्वेश्चन है कि एसिड जो है एच सी एल ओ फोर एच एन ओ थ्री एच सी एल वाटर के कंपेरिजन में सभी बहुत स्ट्रांग है मगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड में इन सब की स्ट्रेंथ डिफरेंट आ जाती है तो इसमें आपका करेक्ट स्ट्रेंथ जो आएगी वो क्या आएगी थर्ड आ रहा है आंसर थर्ड एच सी एल ओ फोर देन एच सी एल देन एच एन ओ थ्री ठीक है मनीष करीना राफिया नोबल केमिस्ट्री प्रीति सबका थर्ड आया है प्रकाश का भी थर्ड है एब्सोल्यूटली करेक्ट लर्नर्स चले आगे एनी डाउट टू एनी वन जल्दी से बता दो हां जी आशीष अंजू पूजा सृष्टि सभी का थर्ड है बी जिसका भी है गलत है लर्नर्स थर्ड वुड बी द राइट आंसर इन द रिएक्शन अब यहां पे देखो दो रिएक्शन दी हुई है एक में क्या है वाटर जो है वो सी एल माइनस से जुड़ रहा है नेगेटिव स्पीशियस से वाटर जुड़ रहा है सेकेंड में वाटर केटाइनिक स्पीशियस से जुड़ रहा है नेगेटिव से तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा केटायन को वो इलेक्ट्रॉन देगा तो अब यहां पे इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ वाटर यहां पर एनाइनिक और कैटाइनिक से कनेक्ट हो रहा है प्रकाश ने आंसर दिया है बी ओके एनिव एल्स देखो वॉटर नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया तो इट विल बिहेव एज एसिड वॉटर ने पॉजिटिव से जुड़ा इट मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इट विल बिहेव एज बेस तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो बी होगा ना सी कैसे होगा पहले में तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है एसिड क्या होते हैं हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना सेकेंड के अंदर वो कैटाइनिक से जुड़ रहा है तो इट उसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा बी वुड बी द राइट आंसर दोनों में एसिड कैसे हो सकते हैं ए कैसे होगा दोनों में एसिड होता तो दोनों ही नेगेटिव स्पीशीज से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता

वॉट वुड बी द राइट आंसर सृष्टि प्रदीप प्रकाश प्रीति का आंसर आया है सी मनीष का भी आंसर आया है सी एनिवन एल्स वंदना का आंसर आया है सी एनिवन एल्स ऑप्शन सी एग्जैक्टली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हां जी कैसे होगा ऑप्शन सी हमारे पास यहां पे क्या है एच एस अगर ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी जल्दी से बता दो लाइक like कर दिया सेशन को चलिए वेरी गुड लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स लाइक like कर दिया तो राइट right? चलिए एनी डाउट ठीक है सो थैंक यू सो मच लर्नर्स मिलते हैं आगे नए सेशन में आज शाम को फिर से 7:30 पे इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ राइट right? आंसर इसका हां जी थर्ड है एस टू एस बन जाएगा और एस पे माइनस टू का चार्ज ओके थैंक यू सो मच लर्नर्स